राम राम जी। एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइया ने बाल किशन भाई की राम राम। और साथियों, जैसा कल वादा कराया था कि आपने 22 के 22 जिले की पीडीएफ देवांगे, करंट अफेयर देवांगे एक साल की, और 1500 पेज हैं जो 1500 पर्सन है वन लाइनर वो भी देवांगे, ठीक है। तो 22 से जो 22 जिले हैं, 22 जिले गुणा में 2 44 रुपया में ये सारी चीज़ आपने मिलेंगी। ये तो देने पड़ेंगे, बालक ने बड़ी मेहनत कर रखी है, ठीक है। और जो साथी, एक बात और है, जिनने ये ले लिए घड़ाए ना, जिन जिनके पास पहुंच लिए, जिस व्हाट्सएप पर आपने या पीडीएफ मिली थी उससे व्हाट्सएप पे काम करियो, एक 30 सेकंड थे या 1 मिनट के बीच की, 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की एक वीडियो जरूर बनाइयो, और उस वीडियो में बताइयो भाई आप पीडीएफ किसी लागी, क्योंकि आप सही 10 किताब पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपने जरूर अलग लिखेगा, मेरा दावा है। 10 किताबों का मतलब ये है 200 रुपये की एक आओगी तो 2000 की भी यदि किताब पढ़ रहे, क्योंकि आड़ केवल 44 रुपये है भाई। फिर आपने वीडियो बनाकर खुद इन बतानी है अगर जिले में मजा आया कि नहीं आया, तो 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बनाओ, उससे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दियो, नीचे अपना नाम लिख दियो भाई मैं यो बोल हूँ, उन वीडियो ने मैं अपना चैनल पर घेरूंगा सारिया ने, भाई बालका का जिस रिस्पॉन्स आगा उस आए चैनल पर घेर दूंगा मैं, ठीक है। तो उन पढ़ो भाई, हो मैं गारंटी ली हूँ भाई, 1500 वन लाइनर पर्सन है, 22 जिले दे दिए और करंट अफेयर दे दी, पेपर में बैठ दे मज़ा आ जाएगा। और आप कितने कोचिंग में जा लियो एक बार नू भी बता दियो कि जी हम उड़े गए थे, मारा यो न्यारा लिखवा रहे, कहते यो आपको उस जिले में कौन ही, बस कितने कोचिंग हो सी, गारंटी ही अपनी एचआर जी के भाई बीके की। तो आज मई की करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर अपनी चाल रही थी, सबसे पहले 1 मई, यो तो पेपर का पसंदीदा पर्सन है, 1 मई ने कौन सा दिवस मनाया जा है, तो मजदूर दिवस मनाया जा, ठीक है। तो जिनने पीडीएफ मंगानी हो, नए जो साथी देखे उन खातर नंबर हो 89 30 25 25 28, इस नंबर पर आप मैसेज कर लियो, आपने पीडीएफ उड़ता है मिल जाएगी। तो 1 मई ने कौन सा दिवस मनाया गया था, मजदूर दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है 1 मई को ही, 1 मई 2020 को जी ट्वेंटी की डिजिटल बैठक हुई थी, डिजिटल, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। 1 मई 2020 को G20 की डिजिटल बैठक हुई थी, इकोनॉमी का प्रति भाई, ठीक है। इकोनॉमी का बारे में जो चर्चा करनी थी वह कड़ा हुई थी, किस देश में हुई थी, तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। कहाँ हुई थी साथियों, सऊदी अरब में हुई थी, ठीक है। 1 मई 2020 को G20 की डिजिटल इकोनॉमी बैठक पूछेगा, गारंटी तो पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था, सऊदी अरब में हुई थी, ओके रिपोर्ट है भाई। उसके बाद 1 मई 2020 को सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बना भाई, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किए देखा गया था रामायण जो है सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बड़ा, बहुत थाली में लोगों ने रामायण और महाभारत देखी है, ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट। उसके बाद अगला प्रश्न, तो ये अपना इस पर कॉन्टेक्ट कर लियो आप इस नंबर पर। अगला प्रश्न यो है कि असम सरकार ने घोषणा कर दी थी 3 मई 2020 को, 3 मई 2020 ने असम सरकार ने जो कोरोना के दौरान जो पत्रकार काम कर रहे हैं यदि उनका कोई देहांत हो जाए तो जीवन बीमा कर दिया था उनका, मतलब बीमा पॉलिसी शुरू कर दी थी और उसकी राशि थी 50 लाख रुपए की, इतनी राशि थी, तो 50 लाख पत्रकारों के लिए 50 लाख की राशि जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया था, असम जो है पहला राज्य बन गया था, ठीक है। और 3 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया, 3 मई 2020 को विश्व हास्य दिवस मनाया गया था, ठीक है भाइयों। उसके बाद है 7 मई, करंट अफेयर के पर्सन है, मजा ऐसा आया हुआ, 7 मई 2020 को ईरान के प्रधानमंत्री कौन बने, पीएम, ईरान का जो पीएम है कौन बना, तो मुश्ताक अल,
ये नाम याद करने पड़ेंगे भाई, मुश्ताक अल कादोमी, कादोमी दिख रहा होगा सर, याद दिख, ठीक है। मुश्ताक अल कादोमी जो है ये बने थे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के पर्सन है, इसमें आप मई क्या पूरे पढ़ांगे। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंथली करंट आप पढ़ने लाग रहे हैं नेशनल की, हरियाणा करंट अफेयर की आपने पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ की साथ वीडियो भी, उसमें विस्तार आपने जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है 8 मई, 7 मई के बाद है 8 मई 2020 को जो है, जो विदेशा में अपने जो नागरिक फंस रहे थे विदेशा में कोरोना वायरस के समय, कोरोना कोरोना देखो पूरा प्रश्न ना लिखा वैसे बतावा, कोरोना वायरस के समय जो विदेशी नागरिक विदेशा में अपने नागरिक जा रहे थे, उन्होंने लैंड खतरे का अभियान चला गया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन कब चला गया, 8 मई 2020 को चला गया था, विदेशा था अपने नागरिका ने लैंड खातर भारत सरकार ने इसको चलाया था 8 मई, 8 मई 2020 को। जो ईरान है पेपर में कई बार पूछी जाया कर रही है, मिसलेनियस है, ईरान की मुद्रा पूछ लिया करता, ईरान ईरान की मुद्रा क्या है, तो रियाल, रियाल थी ईरान की मुद्रा, लेकिन उन्होंने अपनी मुद्रा का नाम बदल लिया, रियाल की जगह तोमोन, तोमन, तोमन कर दिया, क्या कर दिया, तोमन उन्होंने अपनी मुद्रा का नाम कर दिया, ठीक है भाइयों। उसके बाद है 8 मई को ही, 8 मई को प्रवासी, 8 मई को प्रवासी मजदूरों को रात के लिए, मतलब उनको प्रवासी मजदूरों की रात के लिए मित्र राहत मित्र ऐप, राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया था, तो उत्तर प्रदेश ने भाई, उत्तर प्रदेश ने 8 मई को प्रवासी मजदूरों के लिए राहत मित्र ऐप किसने चलाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था, ठीक है। तोमान बदल दी रियाल तो तोमान हो गई थी, और वंदे भारत मिशन जो 8 मई ने चला गया। उसके बाद है 11 मई को, 11 मई 2020 को एक योजना चला दी FIR, मतलब FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार जो है, या स्कीम यो अभियान की सरकार ने चलाया था, तो मध्य प्रदेश ने कहा था भाई आपके बार नया FIR हो लेगी, ठीक है। तो यो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोचक प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद है 13 मई, 13 मई 2020 को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना, तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु का कौन सा बना, बेंगलुरु का केम्पागोडा, ठीक है, केम्पेगोडा हवाई अड्डा जो है सब तक सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है। विश्व 13 मई को ही, 13 मई को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक आया, सूचकांक उसमें भारत का स्थान 74वां था, कौन सा था, 74 था, 74वां स्थान था, ठीक है साथियों। तो ये चीज आप पढ़ लियो, काम की चीजें हैं। उसके बाद है 16 मई को, 16 मई 2020 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, यूरोपीय देश भाई, ठीक है, यूरोपीय देश कौन सा था, तो सोलोवेनिया, ठीक है, सोलोवेनिया था भाई, कौन सा था, सोलोवेनिया पहला यूरोपीय देश था जो कोरोना से मुक्त हो गया था। और उसके बाद है 20 मई, 20 मई को वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना भाई, मतलब KYC स्वीकार कर ली, वीडियो बना के भेज दें, पहला बैंक बना कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहला बैंक बना था। तो गाड़ी ने चलते रहने दियो, क्योंकि साथियों ये करंट अफेयर ऐसा है, सब नया है, सब खातर जो पढ़ेगा वो कामयाबी ले जाएगा, ना पढ़ेगा वो भी ले जाएगा,
वो कितने कितने और कितने ले जाएगा, कामयाबी लेनी सही है। ठीक है, तो आज अपना जो अगला प्रश्न है 22 मई को जो नाबार्ड है अपना, नाबार्ड उसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया, तो गोविंदा, किसको चुना गया भाई, गोविंदा को नया अध्यक्ष चुना गया। इन गोविंदा एक्टर को नहीं भाई, हो अलग नाम है गोविंदा, अगला पूरा नाम गोविंदा अलग, राजुलू। ठीक है, यो नाम याद रख लियो भाई, गोविंदा तमड़ा है, फिल्म वाला तमड़ा है, ध्यान रखो। 22 मई को ही बड़ी बात, बड़ा प्रश्न, यो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर ले तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO सुर्खियां में रहा है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, नया अध्यक्ष बनया है इसका अपना डॉक्टर, अपना जो पहले बीजेपी में भी अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, तो बड़े अच्छे आदमी हैं साथियों, मैं कहूँ बड़ा। और पहले उन्होंने, मैं ये कहूँ, जो जिन्हें ज्ञान होना वही बनाने चाहिए, अनपढ़ आदमी ने बना दे, एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली में बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं, हर्षवर्धन को WHO का अध्यक्ष बना दिया, बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए सम्मान है इतना बड़ा, तो बहुत अच्छी बात है यार। और 29 मई को लास्ट यो पर्सन आज के लिए, 29 मई को अजीत जोगी का निधन हो गया भाई। अजीत जोगी कौन था, यो तो यो छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री था, छत्तीसगढ़ का पूर्व CM का निधन हो गया, और ये इसका नाम था अजीत जोगी। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर बताऊँ, जो नुकत थे वैसे मेरी 200 वीडियो हैं, जिसने अपने नोट्स बना रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उन तो भी कुछ ना कुछ अलग है, वो मैं आगे गारंटी से कह सकूँ हूँ। जिनने अपने कोर्स ले लिया, मान ले कहने का मतलब, कोर्स का मतलब जो है, जिनके पास PDF पहुँच गई, उसे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, अपनी वीडियो बना के एक मिनट की उन्हें चैनल पर घेरेंगे, ताकि और बड़का ने बेरा पड़ जाएगी, HR GK YBK झूठ नहीं बोलता ना, आप बोल लिया करा। ठीक है, जिसने मिल गई होगी उन्होंने भी बेरा पड़ गया, इतनी किताब पढ़ रखी थी, वो डाटा इतना और भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं डालोगे तो महंगा पड़ेगा, सीधी बात यह है। ठीक है, तो आपने अपनी ओर तक काम कर दिया है, मैं चाहूँ जितने बालक लाग जाए उतना ही फायदा है भाई, क्योंकि सरकार जितनी नौकरी निकाल है उससे ज़्यादा अपन फार्म भरने तो बहुत गणे हैं। तो आपने हरियाणा जी के खातर थार तनु मान लो एक रामबाण हरे पत्ताड़ा कैप्सूल दे दिया, उसमें सारी चीज़ें, करंट अफेयर भी, ऑनलाइनर पर्सन भी, और 22 जिले भी। ठीक है, जिले जिले की फीस लगेगी आपको 44 रुपये, वह उस बालक की मेहनत है, बालक भी ले हुए है कि व्हाट्सअप चलावे है, रात दिन PDF बना हुए, आप आने कोई परवाह नहीं, ऑफलाइन क्लास चल रही है, धनाधन चले जाएंगे आप लोगों का, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। आज के लिए इतना है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।